दोस्तों जब भी एक मस्कुलर बॉडी की बात आती है, एक अच्छी बॉडी की बात आती है, तो उसमें चौड़े कंधे वाले को काफ़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अलग होती है और उनकी जो बॉडी है वो मस्कुलर दिखती है उनके शोल्डर के वजह से। फ्रेंड्स, जिनके भी शोल्डर अच्छे होते हैं, अगर वो टी शर्ट पहनते हैं तो उनका जो पर्सनालिटी होता है काफ़ी अलग दिखता है और उनके जो कंधे होते हैं चौड़े दिखते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे वर्कआउट जिन्हें आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं और चौड़े कंधे पा सकते हैं, एक शानदार कंधे पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आते हैं पहले वर्कआउट के ऊपर, जिसे बोलते हैं लेटरल रेजिस। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट के लिए आपको दो डंबल की सहायता लगेगी। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, जिससे आपके जो शोल्डर के जो मसल्स है, बीच वाला जो मसल बोलते हैं, जिसको लेटरल डेल्ट बोलता है, उसका वो डेवलपमेंट होता है उससे, इस वर्कआउट को करने से। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट करने से आपके कंधे बाहर निकल आते हैं, जिससे चौड़े लगने लगते हैं। फ्रेंड, शोल्डर के तीन मसल्स होते हैं, जो बीच वाला जो मसल्स होता है उसको लेटरल डेल्ट बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वर्कआउट को करने से आपका जो बीच वाला जो मसल्स होता है शोल्डर का, लेटरल डेल्ट जिसे बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है और आपके कंधे बाहर निकल आते हैं और चौड़े लगने लगते हैं और आप दिखते हैं तो उनके ब्रॉड शोल्डर दिखने लगते हैं। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट को आप परफॉर्म करेंगे। इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, दो डंबल की सहायता से आप कर सकते हैं, या इसके आपको 3 सेट और 12 रेपिटेशन करना है। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट को आप चाहे घर पर भी कर सकते हैं, पानी की बोतल की सहायता से या किसी भारी वस्तु की सहायता से। फ्रेंड्स, अब बात आते हैं दूसरे वर्कआउट के ऊपर, जिसे बोलते हैं अपराइट रो। फ्रेंड, इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए आपको बारबेल की सहायता होती है। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपके जो फ्रंट डेल्ट होते हैं शोल्डर के, उसका डेवलपमेंट होता है, जिसे आपके जो शोल्डर का आगे वाला जो मसल्स बोलता है उसको फ्रंट डेल्ट, उसका डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ लेटरल डेल्ट भी डेवलपमेंट होता है। इस तरह से इस वर्कआउट को आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भारी वस्तु की सहायता से भी आप इस वर्कआउट को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। आप इस वर्कआउट को आपको 3 सेट और 12 रेपिटेशन करना है, अगर आप इसे घर पे भी कर पाते हैं। फ्रेंड, अब बात आते हैं तीसरे वर्कआउट के ऊपर, जिसे बोलते हैं बेंट ओवर फ्लाई। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए 2 डंबल की सहायता लगती है और आपको क्या करना है, अपनी कमर को थोड़ा नीचे झुका लेना है और इस तरह से आपको परफॉर्म करना होता है। फ्रेंड, चाहे इस वर्कआउट को आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, पानी की बोतल की सहायता से इस तरह से आप वर्कआउट करेंगे घर पर, तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, आपको उसके 4 सेट और 10 रेपिटेशन करना है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी कोई वर्कआउट आप करते हो और जब भी कोई नेक्स्ट सेट करते हो, तो उसके बीच में 1 मिनट से ज़्यादा का रेस्ट आपको नहीं लेना है। आपको हो सके तो आधा मिनट का ही रेस्ट लेना, जिससे आपके मसल्स पंप होगी, एक्टिवेट होगा और एक अच्छे शोल्डर पा सकते हैं। ज़्यादा मिनट का रेस्ट लेने से आपके शोल्डर पंप नहीं हो पाते हैं और मसल्स आपकी एक्टिवेट कंटिन्यूस नहीं होती है। फ्रेंड, अब बात आते हैं चौथे वर्कआउट, जिसे बोलते हैं डंबल प्रेस। फ्रेंड, इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपके जो ओवरऑल शोल्डर होता है उसका डेवलपमेंट होता है और आपके शोल्डर के जो तीनों मसल्स होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए आपको डंबल की सहायता लगती है। इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, आपको उसके 4 सेट और 12 रेपिटेशन करना है। फ्रेंड्स, अब बात आते हैं पांचवें वर्कआउट, जिसे बोलते हैं फ्रंट रेजिस। फ्रेंड, इस वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए आपको 2 डंबल की सहायता लगेगी। इस तरह से वर्कआउट को परफॉर्म करने से आपके जो राउंड शोल्डर रहता है उसका डेवलपमेंट होता है। इस वर्कआउट को आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, पानी की बोतल की सहायता से या कोई भारी वस्तु की सहायता से इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे इस वर्कआउट को फ्रेंड्स आप प्लेट की सहायता से भी कर सकते हैं, जिससे आपके 3D शोल्डर, जिसे गोल आकार का शोल्डर बोलते हैं, राउंड शोल्डर बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है। फ्रेंड्स, इस वर्कआउट को आपको क्या करना होता है, 3 सेट करेंगे आप और 12 रेपिटेशन करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इन 5 एक्सरसाइज को करते हैं तो आपके जो कंधे हैं वो काफ़ी चौड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।